ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है इनलास्टिक कोलिजन का। एक बॉल स्ट्राइक करती है एक वेज से जो कि हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखा है, और ये इम्पैक्ट होता है कि ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट इसके नॉर्मल है, ये डायरेक्शन जो है 90 डिग्री है इसके, ये वेज का एंगल थीटा है और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है ई। ऐसे प्रॉब्लम में दो तीन आपको चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जहाँ दिया है वहाँ एनर्जी कंजर्वेशन आप मत लगाइए, वहाँ पे ये फॉर्मूला लगाइए, ई इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अप्रोच में भी गलती हो जाती है तो उसको ध्यान से लिखिए। अगर ये बॉडी v1 वेलोसिटी से आ रही है, v2, ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, ये इम्पैक्ट से पहले की वेलोसिटी है और ये इम्पैक्ट से बाद की वेलोसिटी है, और सब आप एक ही डायरेक्शन में लीजिए। अगर उल्टा डायरेक्शन है तो फार्मूले में माइनस ले लीजिए, लेकिन फार्मूला जो है वो सब इस डायरेक्शन के लिए है, फार्मूला इस डायरेक्शन के लिए है। या अगर जैसे ऐसे कोलिजन हो रहा है तो बेसिकली एक ही डायरेक्शन के लिए फार्मूला है, या तो इसके लिए या इसके लिए। सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 डैश, इसमें से ये को माइनस करेंगे 1 डैश अपॉन v1 माइनस v2। ये ध्यान रखिए, इधर 2 पहले है, यहाँ 2 बाद में है, यहाँ 1 पहले है, यहाँ 1 बाद में, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और सारी ये वेलोसिटी हमने एक ही डायरेक्शन में ली हुई है, अगर कोई भी उल्टी होती है तो यहाँ उसको साइन चेंज करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम में हम अज्यूम करते हैं कि कोलिजन के बाद ये इसका डायरेक्शन तो इसी इम्पैक्ट लाइन में रहेगा, लेकिन इधर जाएगा कि इधर जाएगा हमें पता नहीं। हम मानते हैं कि v0 डैश इम्पैक्ट के बाद इस डायरेक्शन में रिबाउंड नहीं हो रहा है, मगर ये मूव इसी डायरेक्शन में करेगा। जब भी कोई स्फेरिकल बॉडी किसी फ्लैट सरफेस से कोलाइड करती है तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो होता है परपेंडिकुलर कोलिजन में, मैं परपेंडिकुलर कोलिजन की बात कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर कोलिजन के केस में स्फेरिकल बॉडी जब कोलाइड करती है तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट में ही फाइनल वेलोसिटी होती है। ये अगर बॉडी मूव कर रही है तो हो सकता है ये बॉडी भी इधर मूव करती, लेकिन जब इम्पैक्ट है और ये फिक्स्ड है तो हमेशा रिबाउंड होगी, और जब ये दूसरी बॉडी भी मूव करती है तो डिपेंड करता है, ये पीछे भी जा सकती है, आगे भी जा सकती है, लेकिन इसका डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, ये इम्पोर्टेंट है। सो इस बॉल का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में कभी नहीं होगा जब तक ये नॉर्मल कोलिजन है। ओब्लिक होता तो अलग बात है, आप नॉर्मल कोलिजन की भी मैं बात कर रहा हूँ, तो इस डायरेक्शन में ये कोई फोर्स इस पर नहीं लग रहा है, इसीलिए ये बॉडी इस डायरेक्शन में नहीं चलेगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। सो v0 डैश मैंने इस डायरेक्शन में लिया, इनिशियल वेलोसिटी v0 थी। ये बॉडी क्योंकि सिर्फ हॉरिजॉन्टली चल सकती है और ये स्मूथ सरफेस है, हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं है, तो ये बॉडी ऐसे चलेगी, इसकी वेलोसिटी सपोज v है। अब देखिए जब इम्पैक्ट होता है तो इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ऐसे वेज को अगर हम देखें तो इस पे लगेगा, बॉल पे लगेगा ऊपर और वेज पे लगेगा ऐसे, ये दोनों के बीच में कोई रिएक्शन है, इसकी वजह से नीचे से भी फोर्स लगेगा जिसका कंपोनेंट, इस फोर्स का कंपोनेंट इधर भी होगा और इधर भी हो सकता है, लेकिन नीचे से जो फोर्स लग रहा है इस सिस्टम पे, ये और ये मिला के सिस्टम है। कोलिजन में आपको दो बॉडीज अगर हैं तो वो मिला के एक सिस्टम बनता है, उस सिस्टम पे आप देखिए किस डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, इसका कंपोनेंट जो नीचे से रिएक्शन लगेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा, मींस हॉरिजॉन्टल इस एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मींस एफ एक्सटर्नल अलोंग एक्स इज जीरो। और जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, इंटरनल की बात नहीं कर रहे हैं, ये एन तो इन दोनों के बीच का है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। तो पहले तो मैं वापस आता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यूज करके हम ये वेलोसिटीज की वैल्यू निकालते हैं, रिलेशनशिप ई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये अगर
ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन एक डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है वेज का, तो आपको इसके अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, ये पाई बाय टू माइनस थीटा है, तो ये है वी साइन थीटा। कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही अप्लाई कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट में कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाऊंगा और मोमेंटम कंजर्व करूंगा उस लाइन में जहां पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। दोनों अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, इस प्रॉब्लम में अलग है, ये की पॉइंट है। सो कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट में लगाऊंगा हमेशा, उसमें आपका आएगा वी की वैल्यू आएगी वी साइन थीटा माइनस वी जीरो डैश अपॉन वी जीरो। सो आपका वी जीरो डैश का वैल्यू आएगा वी साइन थीटा माइनस ई वी जीरो। अब जब आपका ये वैल्यू निकल गया, आप मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखिए। मोमेंटम कंजर्वेशन का हम अलोंग एक्स एक्सिस करेंगे, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है एम वी जीरो साइन थीटा, और फाइनल मोमेंटम क्या है कैपिटल एम वी, ये तो वेज का है और बॉल का है, प्लस एम वी जीरो डैश साइन थीटा। वी जीरो डैश की वैल्यू रख दीजिए, साइन थीटा इज एम वी प्लस एम साइन थीटा इंटू वी साइन थीटा माइनस ई वी जीरो। इसे सॉल्व करोगे तो आपका वेलोसिटी का वैल्यू निकल जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं एम वी प्लस एम वी साइन स्क्वायर थीटा माइनस एम ई वी जीरो साइन थीटा इज एम वी जीरो साइन थीटा। सो दिस इज वी एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम वी जीरो साइन थीटा वन प्लस ई। सो वेलोसिटी का हमारा वैल्यू आया एम वी जीरो साइन थीटा वन प्लस ई अपॉन एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका आंसर होगा।